उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी जीआईएस 2023 का आज दूसरा दिन है। आज आपको बता दें कि कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इसमें शामिल होंगे और दोपहर 3:30 बजे ये जीआईएस में हिस्सा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लेने के लिए पहुंचेंगी लखनऊ। जीआईएस 2023 में शामिल होंगे आज स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कैबिनेट मंत्री आज इसमें शामिल होने वाले हैं। दूसरा दिन है और आज भी उत्तर प्रदेश वासियों को काफी कुछ इन्वेस्टमेंट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये काफी अहम समिट मानी जा रही है। विपक्ष हालांकि इस पर निशाना साध रहा है, लेकिन कल इसकी शुरुआत हुई थी जीआईएस 2023 का, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इस जीआईएस से उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सारी उम्मीदें हैं और लगातार पहले दिन भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का मिला था ऑफर और कई एमओयू भी साइन हुए थे। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज दूसरे दिन उत्तर प्रदेश को क्या कुछ खास मिलने वाला है और कौन कौन से लोग शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी अविनाश लखनऊ से। अविनाश, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ उम्मीद है दूसरे दिन से? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई थी, जिसमें काफी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट में 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन, आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी भी आएंगी। आज जो दूसरा दिन है, इस पर कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी कुछ बात होगी। जी बिल्कुल अविनाश, कल काफी उद्योगपति आए थे, चाहे वो अडानी हो चाहे अन्य उद्योगपति शामिल हुए थे। आज बड़े उद्योगपतियों में कौन कौन शामिल हो सकता है, साथ ही ये भी जानना चाहूंगा कि आज क्या कुछ इन्वेस्टमेंट होने या मिलने की उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल बड़े बड़े उद्योगपति आए थे और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी रोजगार को लेकर, आज जिस तरीके से आज सुबह 10 से 11:15 बजे तक देवास हाल में नीदरलैंड पार्टनर कंट्री सेशन एक स्टेट मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। दीक्षांत हाल में 2 में जापान पार्टनर की कंट्री सेशन होगा। इस सत्र में प्रदेश सरकार के सांसद पर्यटन मंत्री मौजूद होना था, लेकिन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की माता जी का निधन हो गया है, तो उनकी जगह पे कोई दूसरे मंत्री शामिल हो सकते हैं। तमाम ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर भी आज मोहर लगेगी। 34 सत्र में विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिसमें से 10 सत्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 14 सत्रों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, क्या कुछ व्यवस्थाएं, आज दूसरा दिन है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की और निवेशकों की रहने की, तो उनकी व्यवस्था पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसके बाद जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, उसको देखते हुए लगातार रोजगार को लेकर और इन्वेस्टमेंट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंथन कर रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज पूरी बैठक हो गई। गृह मंत्री अमित शाह भी कल आए हुए थे और गृह मंत्री अमित शाह कल राजधानी लखनऊ में रुके थे और आज गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद रहे। बिल्कुल, लगातार इस विपक्ष इस समिट से खुश नहीं है। वो लगातार कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए बहाया गया है समिट के नाम पर, तो ऐसे में विपक्ष दूसरे दिन को लेकर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने आया, क्योंकि पहले दिन का कुछ रुझान कहे जा सकते हैं, कुछ एमयू साइन हुए हैं वो कहे जा सकते हैं, तो जो एक निचोड़ था वो पहले दिन से समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या कुछ मिलने वाला है, तो क्या विपक्ष अभी भी तंज कस रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले ही मैंने एनसीएम के सभी दर्शकों को बताया था कि विपक्ष लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस की भी लगातार मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का लगातार यही कहना था कि जिस तरीके से इसके पहले भी कई इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, लेकिन धरातल को जमीनी स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिलता। तो सरकार जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर कर रही है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों पर चल रही है और सपा की भी अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का भी लगातार यही करना है कि इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट हुई, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो सरकार जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, वो अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक ट्वीट करके भी कहा था कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो खर्चा आ रहा है, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि बसों का किराया बढ़ाकर सरकार वो खर्चा वसूल रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश।
तो ये हमारे सहयोगी अविनाश जिन्होंने ये जानकारी दी है कि जिस तरह से ये आज दूसरा दिन है समिट का, कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल होने के आसार हैं और कौन कौन से उद्योगपति हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और क्या कुछ आज उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है, ये तो समिट के बाद पता चलेगा। लेकिन जाहिर है कि विपक्ष के निशाने पर सरकार है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ये पैसा इस समिट पर बहाया गया या खर्च किया गया है, उसका निचोड़ आखिर क्या उत्तर प्रदेश को मिल पाता है।